और इतना गंदा विचारधारा, किसी दूसरे गैर मर्द से संबंध बना ले, गैर मर्द से फंस जाना, उसके साथ रहने के लिए बोले कि हम आपको तलाक देंगे, ऐसी स्त्री को समाज में दूषित कहा जाता है। ठीक ना, ये नारी जो है ना क्षुद्र किस्म की है। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, अरे कहनी की गौवे में अरे नौवे लिखाव, अरे औरी पढ़ाव, आ जो तिमोरिया हो गईली दूसरा पे धावा औरी पढ़ावा। मतलब कहे के मतलब ही बेटे पढ़ता कि पढ़ावा, एसपी या डीएसपी बनाव, आ कहा था जब बन गिलू तो मर्दे के छोड़ दो दूसरा। अक्सर की तत्काल घटना बताते हैं, पिंटू कुमार एक शख्स है जो अपनी पत्नी को प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया है। क्या करिएगा, उसको बेचारे का डर हो गया कहीं हमरो मेरा दूसरा संग मत पहुंच जाए और दूसरा से मत शादी कर ले। फिर क्यों, ऐसी तो घटना डेली डेली होती है, हर ना हर औरत किसी न किसी गैर मर्द के साथ रहती है, तलाक देती है। आखिर ज्योति ने ऐसा कर दिया तो क्यों बवाल हो रहा है? देखिए, लोग मुझे इतना मेहनत किया, संघर्ष करके, मेहनत करके, लगन से उसको पढ़ाया कि चलो मेरी बीवी अच्छा पद पे हो जाए, मेरे परिवार के लिए बेटी भी है, सुन रहे उनका बाल बच्चा भी है, और ऐसी स्त्री अपने बाल बच्चा के छोड़ के दूसरा गैर मर्द संगे संबंध बनाती है, दूसरा मर्द संगे शादी करने के तैयार हो रही है, तो ये नीच इंसान है। ठीक न, ऐसे स्त्री को हमारे समाज में समाज से बहिष्कार करना। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जिस तरीके का फैसला लिया है उसको देख करके न जाने कितनी लड़कियों और कितनी महिलाओं के जीवन पे कुठार आघात हुआ है, आघात पहुंचा है। आलोक मौर्य तो शायद उनके पति हैं, लेकिन उनको जितनी क्षति नहीं हुई होगी उससे कहीं ज़्यादा जो हमारे समाज में पढ़ रही महिलाएँ हैं उनको क्षति का सामना करना पड़ रहा होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए संदीप शेरपुरी जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या समाज पे इफेक्ट पड़ेगा जो इस तरीके से एसडीएम बनने के बाद किसी दूसरे अर्थात गैर मर्द के साथ पकड़े जाने पर ऐसा प्रत्यारोप आरोप लग रहा है। चूंकि ये तो जांच का विषय है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो इस तरीके का प्रभाव आप भी जान रहे हैं और देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इतना गंदा सोच वाली महिला पहली बार हम देखे हैं। ठीक ना, कि इतना बेचारा आलोक मौर्य इतना मेहनत कर कर सफाई कर्मी होते हुए इतना बढ़िया से पढ़ाया, अपना खून पसीना एक करके एसडीएम तक बनाया, और इतना गंदा विचारधारा, किसी दूसरे गैर मर्द से संबंध बना ले, गैर मर्द से फंस जाना, उसके साथ रहने के लिए बोले कि हम आपको तलाक देंगे, ऐसी स्त्री को समाज में दूषित कहा जाता है। ठीक ना, ये नारी जो है ना क्षुद्र किस्म की है, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। मारने की धमकी दी गई है आलोक को। अरे तो हम बोले रहे हैं, ये सबसे नकारात्मक सबसे गंदा सोच वाली महिला है, जिस पति ने इसको इतना बड़ा किया अफसर तक बनाया, उस पति को ये सफाई कर्मी होते हुए बताइए, मेहनत मजदूरी करके सफाई कर्मी कर सफाई करके एसडीएम तक पहुंचाया। लोग के दिल में तो यही ना दहशत हो जाला ना, कि इतना जब लोग के आगे चल के लोग के दहशत हो जाए कि हम दहशत हो जाए कि हो गई बा हो गई बाटे दहशत हो गई बाटे। लोग छोड़ा अपने मेहरारू का तो सुन तनी कि नाम कटवाओ तुरंत। 136 महिलाओं का नाम बीपीएससी में जो प्रयागराज में पढ़ रही थी महिलाएं उनको घर पे ला दिया गया है। सही बात है, तो मान लीजिए कि जब इफेक्ट पड़ता कि पढ़ावा एसपी या डीएसपी बनाव, आ कहा था जब बन गिलू तो मर्दे के छोड़ दो दूसरा। अक्सर की तत्काल घटना बताते हैं, पिंटू कुमार एक शख्स है जो अपनी पत्नी को प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया है। क्या करिएगा, उसको बेचारे का डर हो गया कहीं हमरो मेरा दूसरा संग मत पहुंच जाए और दूसरा से मत शादी कर लेवे। एक और बात बता देते हैं, खान सर का जो बैच आप सुने होंगे, खान सर जो इंडिया में नंबर वन चल रहे हैं, उनके बैच में से लगभग 93 स्टूडेंट जो महिलाएं हैं उनके पति उनको वापस लेकर घर चले गए हैं। का को हम ऐसा ज्योति मौर्य घटना कह दिली ना कि चारों दहशत फैला दिल, लेकर मतलब हर जगह दहशत फैला दिए, तो गंदा विचार इतना हम कहा कहीं कि इतना स्त्री के नाम पे कलंक है ये। ठीक ना, आखिर क्यों, ऐसी तो घटना डेली डेली होती है, हर ना हर औरत किसी न किसी गैर मर्द के साथ रहती है, तलाक देती है, आखिर ज्योति ने ऐसा कर दिया तो क्यों बवाल हो रहा है? बबुनी के लागल बस शहर के हवा, ठीक ना, हे गाना पवन सिंह क्या हाँ। बोलते हैं हाँ। मनोज तिवारी के गाना सुने ना हाँ। आज से 10-15 साल पहले मनोज तिवारी गाना गाए थे कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, अरे कहनी की गौवे में अरे नौवे लिखाव, अरे औरी पढ़ाव, आ जो तिमोरिया हो गईली दूसरा पे धावा औरी पढ़ावा। मतलब कहे के मतलब ही बेटे के देखी,
आलोक मोर्या इतना मेहनत किया, संघर्ष करके, मेहनत करके, लगन से उसको पढ़ाया कि चलो मेरे बीवी अच्छा पद पे हो जाए, मेरे परिवार के लिए बेटी भी है, सुन रहे उनका बाल बच्चा भी हैं, और ऐसी स्त्री अपने बाल बच्चा के छोड़ के दूसरा गैर मर्द संगे संबंध बनाती है, दूसरा मर्द संगे शादी करने के तैयार हो रही हैं, तो ये नीच इंसान है, ठीक ना। ऐसे स्त्री को हमारे समाज में, समाज से बहिष्कार करना होगा, ठीक ना। हम बहिष्कार हम करते हैं बहिष्कार ऐसे लोगों को जो समाज को गंदगी फैला रही है। कौन काम बटोकर सर पेट ना बरतल, जो इंसान तुमको इतना बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ उठना बैठना था तो इज्जत की बात है ना जी। अरे हमारा मर्द, हमारा हस्बैंड, हमारा पति जो है एक सफाई कर्मी है, हम SDM है, लज्जा नहीं आएगी। लूर लुफुत बाई मुले पजाई, वो कहा कहल भोजपुरी में कि लूर लुफुत बाई मुले पजाई, ठीक ना। और पता ना कब से इनका ज्योति मोर्या के चक्कर लटे। अब तो इनका इतना ज्योति मोर्या तो आरोप लगा रही है कि हम शुरुआती में ही हमको ठगा गया था, जबरदस्ती शादी करे थे हमसे। अरे जो ठगी इतना मेहनत मजदूरी करके तार के पढ़ाई, अरे बेशर्म लड़की है वो। जो ऐसा भी तो हो सकता है कि गलत आरोप लगा रहा है, गलत कोई कैसे लगाएगा, इतना अपना बीवी की कोई बेइज्जत करेगा। हमारा तो नहीं लगता कि इंसान अपना पत्नी की बेइज्जत कर जितना आगे कोई बटे, हमारा तो नहीं बुझात। जेकरा बच्चा हो बटे, हाँ जेकर बाल बच्चा हो बटे, अपना इतना बड़ी पद पे है, अपना पति कोई बदनाम करेगा महाराज पत्नी को। पत्नी आरोप लगा रही है कि 50 लाख रुपया और प्रयागराज में घर मांग रहा था, नहीं देने के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं लगा था हमारा, ये तो षड्यंत्र लगा था ज्योति मोर्या के पास, ठीक ना। जब तक बेचारी फंस गई माया जाल में, हमको योगी जी, योगी जी की सरकार है, कोई बचेगा ना। योगी जी सुन रहे हैं कि छानबीन हो रहा है, स्टार्ट हो गया छानबीन। ज्योति मोर्या पर कार्रवाई हो गई बटे, इनको मतलब के क्या कहले बटे, इन लोग कार्रवाई योगी जी करवा रहे हैं। हमको सुनने में आया है, हम न्यूज मीडिया से ही सुने हैं कि इन पे कार्रवाई दोनों के ऊपर हो गया है। अच्छा ये बतला, ये समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो औरत है, जो लड़कियां हैं, जो अभी BPSC IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा, समाज क्षतिहीन हो रहा है। ऐसे ही लोग समाज को क्षतिहीन कर रहे हैं, ठीक ना। नीचे दृष्टिकोण पे गिरा रहे हैं, एकदम निचले स्तर पे लोग गिरा रहे हैं, ठीक ना। ऐसा काम करके हमारा बड़ा दुख भयल कि सला इतना बड़ा पद होके, इतना अच्छा कद होके, आपने ऐसा क्यों गंदा काम किया, मतलब का माथा में गू घुराइल बटे, यू ना कहल जाए। इन लोग के हवा लागे तो वाकई शहर के हवा इन लोग के जबरदस्त लागे बटे। मनोज तिवारी गाना गाए थे बहुत साल पहले ही जी, भविष्यवाणी कर दिए थे क्या? भविष्यवाणी ना कहले बड़ा कि समाज में ऐसा हो रहा बटे बहुत चीज़। अभी तो पवनो सिंह भी गाया था ऐसा गाना कि ऐसा दिन आई कि पति पत्नी पलंग पर बैठेगी, पति पैर दबाएगा, घटना घट रहा बटे ना। ना ना ये तो अलग बात हो जाएगी ना, वो तो प्रेम कहानी। हाँ वो तो प्रेम कहानी, लेकिन ऐसा चीज हो रहा बटे, मतलब समाज के स्तर से लोग इतना कह रहे थे कि बबुनी के लागल बा, क्या कह रहे थे इसके बारे? अरे बबुनी के लागल बा शहर के हवा और पढ़ावा, ठीक ना। कैमरा में देख के थोड़ा बताइए। देखिए मनोज तिवारी गाना हम पहले सुने थे, तो हमको लग रहा था क्या मनोज तिवारी गा रहे हैं, लेकिन आज हमारा आज उस चीज के पता चल गई कि गलत ना मनोज तिवारी गल रहन। बहुत पहले सुनले रहनी कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा, अरे औरी पढ़ावा, अरे कहनी कि गाँवे में नौवा लिखाव, अरे औरी पढ़ाव, तो वह परिणाम बाटे पढ़ाव। और पढ़ैला के बाद SP DSP जानबाड़ी दूसरा से फरार हो जान, ते भैया अलर्ट हो जा लोग हो ऐसा ऐसा मेहरारू से, तो तुम लोग के मेहरू हो सकेला छोड़ दिए पढ़ाव SP DSP। अच्छा बताइए आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, एक औरत के चलते आप सबको थोड़े नाच सकते हैं, सबको थोड़े चरित्रहीन कह सकते हैं। देखा देखी पुनः देखा देखी पाप, यही तरह देखो तनी हो जी भारत साफ, ठीक ना। देखा देखी पुनः देखा देखी पाप, यही तरह लगा एक दिन भारत हो जाए साफ। अभी जौन स्थिति हो रहा बटे, हाँ तो सुधार ये लोग सब चाहते सुधार, कोई नाश करने के लिए तैयार हो गई हैं, सब नाश करने के लिए। अभी तो इससे भी हम बहुत चीज़ें प्यार करने के लिए लेवल का आदमी चाहिए ना जी, कि वो सफाई कर्मी रहे, वो SDM रहे, शोभा देता है। अब उनका मती में गू घोराइल बटे, हम क्या करी ये बताइए, शोभा देता है। ज्योति मोर्या के मती में गू घोराइल बटे ना, कि इतना अच्छा व्यक्ति को छोड़कर जो इतना इसके साथ इतना व्यवहार किया, इसको इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा इंसान को छोड़ के दूसरा संगे लगाव बचाव रख ले ली, तो एक शर्मनाक बात क्या हो सकता थे। शर्मसार दुनिया के शर्मसार करने वाली घटना की है लड़की, ठीक ना। घृणा आती है ऐसे स्त्री पर हमको। चलिए अभी देखिए संदीप शेरपुरी जी ने अपनी व्यक्तिगत राय दी है, इस राय से आप कितना संतुष्ट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो अभी हमारी पीढ़ी जो पढ़ाई कर रही है उसके ऊपर ये घात पहुंचेगा कि नहीं, क्या जो अभी
तत्काल अभी घटना भी देख रहे हैं कि कई लड़कियों की, कई महिलाओं का नामांकन जो है रद्द करा दिया गया है, केवल इन एसडीएम ज्योति मौर्या के एसडीएम के जो ये बदौलत का व्यवहार पे जो कार्य की है, कुकृत्य की है। विशेष अभी जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगी और फैसला आएगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद। देखने के लिए कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी अब ये वीडियो आपको।